महंगाई से सताए आवाम पर मजीद बोझ, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2.50 रुपये फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4.75 रुपये फी लीटर बढ़ गई। मिट्टी का तेल 4 रुपये फी लीटर महंगा। पेट्रोल बम के साथ शहरियों पर बिजली भी गिरेगी। आवाम के लिए 13.50 अरब का टीका तैयार। पेट्रोल महंगा होने से बिजली भी 1.80 रुपये फी यूनिट महंगी। आने वाले बिलों में करंट लगेगा। इजाफा महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। पेट्रोल और बिजली के बाद अशियाए खुरानोश की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान। सब्जियां, फल, दालें, हर शय महंगी होने का खदशा। शहरियों में तशवीश की लहर। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। पंजाब काबीना के इजलास से खिताब। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल। उस्मान बुज़दार सानहा साहिवाल पर GIT रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देंगे। तहफ्फुज़ात, खदशात सब खत्म। आज इम्तिहान होंगे। तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक इम्तिहानात का आज से आगाज। पहले रोज अरबी, बिजनेस स्टडीज, क्लॉथ एंड टेक्सटाइल्स के पेपर्स होंगे। 881 इम्तिहानी मराकज़ के इतराफ़ में दफा 144 नाफिज। इम्तिहानात में 5 लाख से ज़ायद बच्चे शरीक होंगे। गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन का मामला। राय एजाज, कामरान मुमताज समेत 11 मुलजिमान की एहतसाब अदालत में पेशी। एहतसाब अदालत के जज नजम उल हसन करप्शन केस पर समाअत करेंगे। करप्शन मुकदमात की तफ्तीश। बोगस पेट्रोल बिल्स, जाली अलाउंसेस, शोहदा फंड, जाली बिलों की मद में हुई नैप का मौका। जंग नहीं अमन चाहते हैं का एक और पैगाम। भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान। भारतीय पायलट को आज वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भिजवाए जाने का इम्कान। पाक भारत सरहद पर तनाव, एयर स्पेस बंद। लाहौर आने और जाने वाली 83 परवासें मंसूख। फ्लाइट ऑपरेशन आज दोपहर 1 बजे तक मुअत्तल रखने का ऐलान। एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया। समझौता एक्सप्रेस भी भारत रवाना ना हुई। एडवांस बुकिंग वाले 16 मुसाफिरों में से 7 ने टिकट रिफंड करवा लिए। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। वीजे की मुद्दत खत्म, पैसे भी खत्म हो गए। दोस्ती बस सर्विस से सिर्फ 3 मुसाफिर जा सके। भारत से 44 मुसाफिर पाकिस्तान आए। अमन के अलमबरदार मगर जारियत पर दुश्मन को सबक सिखाने पर रहती है नजर। बुजदिल भारतीयों को करारा जवाब देने पर फौज को सलाम। शहर में रैलियां और मुजाहरे। मोदी गर्दी नामंजूर किनारे। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा की बड़ी रैली। रेलवे प्रेम यूनियन की भारतीय जारियत के खिलाफ रैली। मजदूरों ने मोदी का पुतला नजरे आतिश कर दिया। अंजुमन ताजरान का भी शालम मार्केट में मुजाहरा। तहरीके लब्बैक की भी ताजबाग से हरबंसपुरा तक फौज के हक में रैली। यंग डॉक्टर्स और नर्सेस की जेल रोड पर रैली। पाक फौज के साथ मुकम्मल इशारे यकजहती। रियल स्टेट डीलर्स की फैसल टाउन से अल्लाहू गोल चक्कर तक रैली। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मॉल रोड पर रैली। चेयरिंग क्रॉस पर सहाफी बरादरी की भी इशारे यकजहती रैली। भारतीय जारहियत के खिलाफ बैनुल मजाहिब रहनुमा भी मैदान में आ गए। पाक फौज के शाना बशाना चलने का अज़्म। सरदार भूषण सिंह कहते हैं भारतीय सिखों के दिल में भी पाकिस्तान धड़कता है। पाकिस्तान सिखों की मुकद्दस सरजमीन है, आँच नहीं आने देंगे। सूबाई वजीर अकलियती अमूर एजाज आलम बोले भारत अम की बात को कमजोरी ना समझे। पूरी मसीही बरादरी पाक फौज के साथ खड़ी है। जो वार करेगा बहुत पछताएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत में पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं। एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया।
शाहीनों को JF-17 थंडर का तोहफा दिया, मुल्क का भरपूर दिफा करने पर खुशी है। नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। मोदी के पागलपन का कोई पता नहीं, हम जंग नहीं चाहते, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। सूबाई वजीर सहर डॉक्टर यास्मीन राशिद, सर्विसेज अस्पताल का दौरा, ब्लड बैंक में खून की मौजूदगी का भी जायजा। एमरजेंसी में इजाफी 50 बेड्स लगा दिए। न्यू अस्पताल में मेडिकल क्योर के लिए अस्पताल कमेटी का इजलास, तमाम शोबों के सरबराहान की शिरकत। 7 रोज बाद सफाई ऑपरेशन शुरू, मगर चैलेंज बरकरार। जगह जगह कूड़े के ढेर, सफाई कंपनी के लिए चैलेंज, ताफुन फैलने लगा। LWMC का 4 रोज में शहर को जीरो वेस्ट करने का अज़्म, फूड कॉन्ट्रैक्टर से मामला तह पा गए। चंद रोज में 6,000 टन कूड़ा ठिकाने लगा दिया जाएगा। MD LWMC खालिद नजीर पट्टू। कोट लखपत रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, जियाबग्गा फाटक पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 भाइयों को कुचल डाला। हादसे में एक भाई मौके पर जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी। दोनों भाई कंगरा गांव के रिहायशी थे। FBR की कार्रवाइयों के खिलाफ 4 सूबों के ताजरों का इत्तेहाद, गैर सियासी ट्रेडर्स अलायंस का ऐलान। FBR ताजरों पर हमलावर है, ताजरों को टैक्स चोर साबित करने की कोशिश की जा रही है। सदर ट्रेडर्स अलायंस नासिर हमीद खान, मोहम्मद अली मियां और इरफान कैसर शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत हमें तन्हा नहीं कर सकता, हम जंग में यकीन नहीं रखते, वजीर आजम की अमन की पेशकश पर भारत ने जंग मुसलत करने की कोशिश की। गवर्नर पंजाब का कनेट कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खताब, तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम। बेसहारा बच्चों को महफूज करके मुस्तकबिल महफूज बनाएं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जेर एहतमाम। लिबर्टी चौक में आगाही मुहिम, बच्चों की प्ले कार्ड उठाए शिरकत। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद बोली, आगाही मुहिम को पंजाब भर में फैलाएंगे, सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों के मसाइल हल करेंगे। PSL 4 के लिए टिकटों की फरोख्त का मामला, 500 और 1,000 रुपए वाली तमाम टिकटें बिक गई, 2 और 3,000 रुपए वाली चंद टिकटें बाकी, तमाम मैच शेड्यूल के मुताबिक होंगे, चेयरमैन PCB एहसान मानी ने वाजे कर दिया। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जेर एहतमाम साइंस मेला, तलबा के तैयार करदा 350 से जायद मॉडल्स नुमाइश के लिए पेश, होनहार तलबा में शील्ड और दीगर इनामात तकसीम।